शो को, और आपको इस कैरेक्टर में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा और खूबसूरत सफ़र रहा है। हमने कल्पना नहीं की थी कि ये 7 साल चल जाएगा। तीन तीन मतलब 3 महीने का गेम समझा था ये, क्योंकि हमें इस बात का अंदेशा नहीं था कि इसके कंटेंट को लोग कैसे लेंगे। हमें था कि हो सकता है लोग कहेंगे कि ये वल्गर कंटेंट है या इसको अन्यथा ना ले लें, लेकिन जब इसकी TRP आई तो वो शाहरुख खान के रियलिटी शो जितनी आ गई तो हम हैरान रह गए। वो दिन है और आज का दिन है, 7 साल पूरे हो गए। सर, और आपका इन 7 साल में सबसे बेस्ट कैरेक्टर? मेरा बेस्ट कैरेक्टर नेचुरली हमारा मनमोहन तिवारी ही है, जो मैं किरदार निभा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी निजी पर्सनैलिटी के बिल्कुल विपरीत है। तो मेरे लिए ये एक बड़ी चीज़ इस चरित्र के लिए रही है कि मुझे मेरी पर्सनैलिटी के विपरीत रोल करने का मौका मिला, जो कि एक एक्टर के लिए का सेट होता है। सर, 7 सालों में आपने कई सारी स्टोरीज की, कई सारे, तो उनमें से सबसे बेस्ट आपका स्टोरी? एक एक स्टोरी थी जिसमें वो भाभी जी के लिए एक चाइना का आदमी बन के आ जाता है अचानक। तो वो स्टोरी मेरे दिल के बड़ी करीब है, क्योंकि उसका कंटेंट ये था कि भाभी जी को जो है वो चाइनीज़ लोग बहुत पसंद है, और भाभी जी ने ये इच्छा जाहिर की है कि मैं कभी चाइना जाऊंगी तो चाइनीज़ लोगों से मिलूंगी। तो वो अचानक चाइना का कोई आदमी बन के आ जाता है उनके सामने। वो किरदार बहुत खूबसूरती से मैंने निभाया था उस समय, जो आज भी मेरे जहन में है। विभूति आसिफ शेख जी के साथ आपको कैसा लगा काम? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आसिफ जी थिएटर के मंझे हुए कलाकार हैं, हम भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हैं, तो हमारा भी थिएटर से एक अलग जुड़ाव रहा है। तो हम जब मिलते हैं तो बहुत सारी रंगमंच की बातें होती हैं, नाटकों की बातें होती हैं, अभिनय की बातें होती हैं। तो हमारा जो केमिस्ट्री है वो न केवल एक दोस्त बल्कि एक एक्टर के तौर पर भी बड़ी बेहतरीन है। सर, इन 7 सालों में क्या ऐसी क्या चीज़ें बदल गई आपके लाइफ? बदली ये चीज़ है कि 7 साल पहले जो फेम था उससे कहीं ज़्यादा फेम हमें आज मिला है 7 साल के बाद। बहुत सारे लोग तो अब मेरा रियल नेम जानते भी नहीं है, रोहिताशु गौड़। अब तो कई लोग पूछते भी आपका असली नाम क्या है, क्योंकि वो मुझे तिवारी जी के तौर पर जानने लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। छोटे छोटे शहरों में लोग आपको जानते हैं, आपका आपसे वाबस्ता होते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपसे मिलने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। तो ये एक फेम है जो 7 सालों के दौरान इस सीरियल ने दिया है। सर, अपने व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो प्यार जो मोहब्बत आपने 7 सालों तक दी है वो आगे भी बरकरार रखिए। शुक्रिया। तमाम दर्शकों को रोहिताश गौड़ उर्फ मनमोहन तिवारी और भाभी जी घर पर के तमाम कलाकारों की ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।